दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं राहुल वैद्या और दिशा परमार के बारे में। इन दोनों ने 16 जुलाई 2021 को शादी कर ली है और काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं राहुल वैद्या और दिशा परमार के एज गैप के बारे में। क्या आपको पता है आखिर इन दोनों के बीच कितना एज गैप है? अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप राहुल वैद्या या दिशा परमार के फैन है तो इस वीडियो कर दे लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं राहुल वैद्या के बारे में। राहुल वैद्या किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है दोस्तों। ये एक सिंगर है और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन आइडल के फर्स्ट सीजन से की थी और इन्होंने कई शो में एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट भी लिया है। जैसे राहुल ने 2020 में बिग बॉस 14 में पार्टिसिपेट लिया था और इस शो की वजह से इनको खूब पहचान मिली। और 2021 में इन्होंने रियलिटी शो फेयर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में पार्टिसिपेट लिया। बात करें इनके एज के बारे में तो राहुल का जन्म 23 सितंबर 1987 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ और इनकी उम्र 33 साल है और सितंबर 2021 में ये 34 साल के हो जाएंगे। वहीं बात करें दिशा परमार की तो दोस्तों दिशा परमार एक इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल है जिनको स्टार प्लस के सीरियल प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा से पहचान मिली और कई टेलीविजन शो में काम किया। मैं आपको बता दूं 2020 में दिशा परमार बिग बॉस 14 में गई थी राहुल को सपोर्ट करने के लिए और उसी दौरान राहुल ने इन्हें प्रपोज किया, जिस प्रपोज को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वब से ही ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन में थे और फाइनली 16 जुलाई 2021 को इन दोनों ने शादी कर ली। बात करें दिशा परमार के एज के बारे में तो दोस्तों दिशा का जन्म 11 नवंबर 1992 को दिल्ली में हुआ और ये 28 साल की हैं और नवंबर 2021 में ये 29 साल की हो जाएंगी। और बात करें इन दोनों के बीच एज गैप कितना है तो मैं आपको बता दूं राहुल और दिशा के बीच एज गैप 5 साल 1 महीना 19 दिन का है, यानी राहुल दिशा से 5 साल 1 महीना 19 दिन बड़े हैं। तो ये थी राहुल वैद्या और दिशा परमार के बीच एज गैप। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इन दोनों की जोड़ी आपको कैसी लगती है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।